दिल्ली NCR में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो 5 लाख रुपए में किडनी खरीदकर 30 लाख रुपए में अवैध तरीके से किडनी बेचता था। इस गिरोह में शामिल एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस गिरोह के बाकी लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली में एक बड़े किडनी ट्रांसप्लांट रॉकेट का भंडाफोड़ हुआ है जिसमें डोनर तकरीबन 5 लाख रुपए में किडनी देता था और वहीं दूसरी तरफ उसे आगे तकरीबन 30 लाख रुपए में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता था। इस पूरे गिरोह में जिस महिला डॉक्टर का नाम सामने आया है इसे विजया कुमारी बताया जा रहा है, वो पिछले 19 सालों से इस प्रोफेशन में खूब नाम कमा रही थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस ने हाल ही में बांग्लादेश और भारत में किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में कथित संलिप्तता के लिए दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल की एक महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बांग्लादेश के मरीजों को राजधानी दिल्ली NCR नोएडा के आसपास के कई बड़े अस्पतालों में अंग प्रत्यारोपण के लिए बिचौलियों और डॉक्टर विजय कुमारी और उनके सहयोगियों के नेटवर्क द्वारा लालच दिया गया था। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 50 वर्षीय डॉक्टर विजया कुमारी, जिसे अब अपोलो अस्पताल ने निलंबित कर दिया है, इस गिरोह के साथ काम करने वाली अकेली डॉक्टर थी और उसने नोएडा के प्राइवेट अस्पताल में 2021 और 2023 के बीच लगभग 15 से 16 प्रत्यारोपण किए थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। डॉक्टर के अलावा 3 बांग्लादेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्च आयोग के नाम पर कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे, जिनमें दावा किया गया था कि अंग दान करने वाले अंग लेने वाले दोनों जानकार हैं। इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि इन जाली दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया है। मौजूदा मामले में 29 साल के रसेल के कथित तौर पर अपने साथियों के साथ मिलकर संभावित दानदाताओं को अपने देश से दिल्ली बुलाया। रसेल के सहयोगियों में बांग्लादेश के रहने वाले मोहम्मद सुमन मियां और इफित के अलावा त्रिपुरा के रहने वाले रतीश पाल का नाम भी सामने आया है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि दान देने वाले 5 से 4 लाख रुपए में किडनी दान देते थे, वहीं दूसरी तरफ किडनी लेने वाले 25 से 30 लाख रुपए में किडनी खरीदते थे। इफित को छोड़कर बाकी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दिल्ली पुलिस इस मामले की हाई प्रोफाइल जाँच कर रही है।